गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीआरटी यूट्यूब चैनल। एमबीए मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं MK02 कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, तो उसमें आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज बिहेवियरल लर्निंग थ्योरीज। एक्चुअली अभी तक के कॉन्सेप्ट में बच्चों हमने डिस्कस किया है कि भाई कंज्यूमर का मतलब बेसिकली उसके बिहेवियर को हम स्टडी कर रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर में, कि भाई परसेप्शन क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस किया कि कंज्यूमर एटीट्यूड क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट फॉर्म्स द एटीट्यूड ऑफ अ पर्टिकुलर कंज्यूमर। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम बिहेवियर लर्निंग थ्योरी, जो आपने पहले भी कई डिसिप्लिन में पढ़ी है, तो उनको हम शॉर्ट में रिकॉल करेंगे, बिहेवियर थ्योरी। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर दूं कि कंटेंट को समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, अपनी अटेंडेंस मार्क करने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखें, ऑडिबिलिटी इशू ना हो तो वीडियो को ईयरफोन्स के साथ सुनें, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन में बिहेवियरल लर्निंग थ्योरीज। की जो बेसिकली किसी इंडिविजुअल का बिहेवियर होता है, बेसिकली बिहेवियर आर आर लर्न डिस्पोजिशन, जैसा चीजें हम देखते हैं समझते हैं उसी तरह से फिर जो हमारा बिहेवियर है वो उसमें डिपेंड होती है। व्हाट एवर वी सी अराउंड, व्हाट एवर वी लर्न फ्रॉम आर एक्सपीरियंस, फ्रॉम आर सोसाइटी, फ्रॉम आर सराउंडिंग, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का बिहेवियर ड्राफ्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल कि जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के लिए बहुत सब कुछ पॉजिटिव देख रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, या वो सब चीजें जो हमारे सामने चल रही है वो पॉजिटिव है, तो हमारा बिहेवियर भी कहीं ना कहीं उसी को लेकर पॉजिटिव हो जाता है, बिकॉज ये कोई ना कोई फैक्टर होता है जो इम्पैक्ट करता है। तो बेसिकली बिहेवियर लर्निंग थ्योरीज में हम पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू कॉटलर डेफिनेशन, लर्निंग इन्वॉल्व्स चेंजिंग इन एन इंडिविजुअल बिहेवियर अराइजिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस। एज पर कॉटलर, लर्निंग बेसिकली किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर में चेंजेस ला सकती है। जो चीजें आपको पहले नहीं पता थी तो आपका बिहेवियर उसके लिए कुछ भी न्यूट्रल था, बट जब आपने चीजें देखी, उनके बारे में समझा, उनको जाना, तो लर्निंग की वजह से आपका बिहेवियर क्या हो जाता है। जैसे इसको बहुत सिंपल एग्जांपल से आप समझ लीजिए कि भाई कोई भी इंडिविजुअल है या कोई भी बच्चा है, जब उस जो स्टडीज से उसका कोई लिंक नहीं है, तो स्टडीज में जब आपका कोई लिंक नहीं होगा तो आपका जो बिहेवियर है वो थोड़ा अलग होगा, बट द पर्सन हु इज लर्न, हु इज बेसिकली लिटरेट, पढ़ाई से उस संबंधित चीजें उसको बताई जा रही है, ऐसा माहौल उसको दिया जा रहा है, तो उसका बिहेवियर बहुत अलग हो जाता है। ये तो हम सबको पता है कि भाई जो बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो स्कूल ना जाने के पीछे जो उसके बिहेवियर में चीजें देखी जाती है, और जो दूसरे हाथ पे कोई बंदा अगर स्कूल जा रहा है बच्चा और चीजें उसको अकॉर्डिंगली प्रोवाइड की जा रही है, तो उसका बिहेवियर उससे बिल्कुल अलग हो जाता है, होता है ना। तो बेसिकली लर्निंग की वजह से जो हमारा बिहेवियर है अराइजिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस चेंज हो सकता है। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर इज लर्न ओवर टाइम आउट ऑफ द एक्सपीरियंस। और ये भी उतना ही सच है कि जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है वो हमारे एक्सपीरियंस से और टाइम के साथ ही चीजें हमें समझ में आती हैं। ऐसा नहीं कि आज आप गए स्कूल और आज ही आप एकदम बहुत सब चीजें सीख गए, नो, इट विल टेक टाइम, और उसी एक्सपीरियंस के साथ हमारा जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो पाता है। तो फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ कंज्यूमर लर्निंग। अब कंज्यूमर लर्निंग जो कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर को इम्पैक्ट करती है, तो वो फीचर्स हैं। कंज्यूमर लर्निंग इज अ प्रोसेस विच कंटिन्यूअली चेंजेस एंड एक्वायर न्यू नॉलेज। कंज्यूमर लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो बेसिकली चेंजेस और न्यू नॉलेज एक्वायर करने में उसको हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस नॉलेज कैन बी ऑब्टेन, कैसे ऑब्टेन हो सकती है भाई लर्निंग जो है वो कैसे की जा सकती है, बाय रीडिंग, डिस्कसिंग, ऑब्जर्विंग एंड थिंकिंग। किसी चीज के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं, किसी चीज को आप ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में अगर सोच रहे हैं, तो ये सब चीजें होती है जिसके थ्रू लर्निंग कैन बी डन। न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज और पर्सनल एक्सपीरियंस बोथ सर्व एज फीडबैक। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि जो भी किसी भी चीज वस्तु के बारे में अगर आपने कोई नई नॉलेज एक्वायर की है कि आपको उसके बारे में पता चला है, या आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आपने किसी सर्विस या प्रोडक्ट के साथ लिया, तो दे विल सर्व एज फीडबैक। ये तो होता ही है कि भाई हमने किसी चीज को पर्सनली एक्सपीरियंस किया है या उसके बारे में हमें कोई जानकारी मिली है, तो वो फीडबैक की तरह काम करेगा। अगर हम उसके लिए कंफर्टेबल है, पॉजिटिव है,
तो हमारा बिहेवियर भी उसके लिए पॉजिटिव रहेगा। बट अगर किसी चीज़ के बारे में नॉलेज हमको सही नहीं है या फिर जो हमारा एक्सपीरियंस है वो सही नहीं है तो हमारा बिहेवियर भी अकॉर्डिंगली होता है। तो बेसिकली वो एक फीडबैक की तरह काम करता है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरीज। लर्निंग बिहेवियर थ्योरीज डिपेंड अपॉन रिस्पॉन्स टेंडेंसी रिजल्ट फ्रॉम द एक्सपीरियंस। इफ समवन इज कंडीशन्ड बाय अ पर्टिकुलर एक्सपीरियंस ही बिहेव इन अ सिमिलर फैशन अगेन एंड अगेन। For example, if a work or in a factory are conditioned to loud noise, they start liking high pitch music. बहुत आसानी से इन्होंने एक बिहेवियर थ्योरी को यहाँ पर बताया है। कंडीशन थ्योरी जो आपने बिहेवियर एस्पेक्ट में पढ़ी है वो क्या होती है कि कोई भी इंडिविजुअल बेसिकली जो उसका बिहेवियर होता है डिपेंड्स अपॉन द रिस्पॉन्स टेंडेंसी रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस। भाई अगर आप किसी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के लिए कंडीशन है, if a person is conditioned for a particular experience, he behave in a similar manner again and again. किसी भी particular condition को condition में आपका जो experience है, अगर आप किसी भी particular situation में किसी condition के ऊपर depend होकर आपका experience आता है तो आपका behavior बार बार उस condition में वैसा ही रहेगा। You will try to behave like this. जैसे एक example इसमें दिया गया है कि भाई किसी factory में कोई वर्कर काम कर रहे हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा लाउड पिच में अगर वो काम करने का उनका एक्सपीरियंस है तो ऐसे वर्कर्स को हमेशा लाउड जो म्यूजिक रहेगा या शोर शराबे वाली जगहों का जो उनका बिहेवियर है वो एज इट इज ही रहता है अगेन एंड अगेन। इफ अ वर्कर इन द फैक्ट्री आर कंडीशंस टू लाउड नॉइस दे स्टार्ट लाइकिंग हाई पिच म्यूजिक। भाई यू आर कंडीशन टू वर्क लाइक दिस कि आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं लाउड नॉइस में आपका एक्सपीरियंस है काम करने का तो यू विल लाइक लाउड पिच म्यूजिक। आपको उस चीज की हैबिट है, एक्सपीरियंस है आपका तो यू विल बिहेव लाइक दिस ओनली। इफ पीपल इन वेज आर सर्व मिल्क विद लार्ज क्वांटिटी शुगर रिपीटेडली दे बिकम एक्सपर्टेड टू इट एंड दे आफ्टरवर्ड डू नॉट लाइक मिल्क विद लेस शुगर। इफ वन ड्रिंक्स पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ कॉफी रिपीटेडली ही डज नॉट एंजॉय अदर ब्रांड ऑफ कॉफी दिस इज कॉल्ड बिहेवियर लर्निंग। ये थ्योरी होती है जो आपने ऑपरेशन ऑब्जर्वेशन में पढ़ी होगी तो ओबी में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में इसको बेसिकली इस डिसिप्लिन में पढ़ाया जाता है। बिहेवियर थ्योरी के बहुत अच्छे एग्जांपल्स भी यहाँ पर मैंने शेयर करने की कोशिश की है कि जैसे किसी विलेज में जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा मीठा शुगर के साथ जो मिल्क है वो लेने की आदत है तो अब क्या होगा कि दे आफ्टरवर्ड डू नॉट लाइक मिल्क विद लेस शुगर। कम मीठे का अगर उनको कोई चीज दी जाएगी तो दे विल नॉट। यहाँ पे कंडीशन लग गई है कि यू विल बी सर्व विद द मिल्क विद हाई शुगर। हाई शुगर ज्यादा चीनी की कंडीशन है अगर उसको आपने दे दी तो उनका बिहेवियर टाइम आगे चलकर उसी एक्सपीरियंस के साथ बोलेगा। आगे चलकर अगर आप उनको कम मीठे का दूध प्रोवाइड करेंगे तो वो उसको पसंद नहीं करेंगे, उनका बिहेवियर उससे मैच नहीं हो पाएगा क्योंकि उस कंडीशन के साथ उनको बिहेव करने की आदत हो गई है, वही आपका एक्सपीरियंस है। इसके अलावा जैसे कोई भी इंडिविजुअल किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड की कॉफी पसंद करता है तो अगर उसको किसी और ब्रांड की कॉफी दे दी जाएगी तो उसको पसंद नहीं करेगा। द कंडीशन इज ऑफ दैट ब्रांड जो आपके बिहेवियर में इम्पैक्ट कर रहा है, अगर उसको चेंज कर देंगे कंडीशन को तो आपका बिहेवियर वैसा नहीं रहेगा। तो ये बेसिकली क्या होता है बिहेवियरल लर्निंग जो किसी न किसी कंडीशन पे आधारित है। जैसे आपने पढ़ा होगा इसमें बेसिकली इस थ्योरी में इस तरह की कोशिश की गई थी कि भाई द डॉग विल स्टार्ट सेलिब्रेटिंग, जैसे खाना उसके सामने आता है तो ही विल स्टार्ट सेलिब्रेटिंग। अब क्या होता है कि आपने उसमें कंडीशन लगा दी बेल की कि जब बेल बजेगी तब आप उसको फूड प्रोवाइड करेंगे और फिर वो उसको सेलिब्रेशन उसका शुरू हो जाएगा। तो इसमें आपने जब इस चीज को दो तीन बार करने की कोशिश की तो उसमें आपने ये भी देखा कि आपने खाली बेल बजा दी तो बेल बजाते ही उसने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया चाहे खाना आया या नहीं आया। तो वो कंडीशन है जो उसके बिहेवियर में आ गई कि भाई अगर बेल बजेगी तो उसका मतलब खाना मिलेगा तो अपने आप उसके मुंह में पानी आना स्टार्ट हो गया। तो ये सब बिहेवियर थ्योरी के एग्जांपल्स हैं कि भाई विलेज में अगर दूध में मीठा ज्यादा है तो वो आपको पसंद है, अगर आप मीठा कम कर देंगे तो पसंद नहीं आएगा, कंडीशन पे डिपेंड हो गया। किसी पर्टिकुलर ब्रांड की कॉफी के लिए आप बेसिकली आदत है आपको उस ब्रांड को चेंज कर देंगे तो बिहेवियर में फर्क देखने को मिलेगा क्योंकि वो कंडीशन चेंज हो गई। समझ में आया? तो इसको हम क्या कहते हैं बिहेवियर लर्निंग थ्योरी जो टाइम के साथ आती है। नॉलेज एक्वायर करोगे जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करोगे सोचोगे एक्सपीरियंस के साथ तो ये सब चीजें तभी सीखने को मिलती है। द मार्केट स्टडी दीज फिनोमेना यूज देम इन सेल्स कैंपेन एडवर्टाइजिंग।
स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डेमोंस्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, फ्री सैंपल्स, सर्विंग प्रोडक्ट फ्री इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ बिहेवियर थ्योरी। इसी तरह से जो मार्केटर्स होते हैं वो इसी चीज का एडवांटेज लेते हैं अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, एडवर्टाइजिंग करने के लिए, फ्री सैंपल के लिए। तो बिहेवियर एस्पेक्ट्स को वो बेसिकली इसमें यूज करते हैं, जैसे नेस्कैफे कॉफी सर्व फ्री कॉफी फ्रॉम टाइम टू टाइम डेवलप टेस्ट फॉर इट। वही नेस्कैफे एक अच्छी ब्रांड है कॉफी की, वो टाइम टू टाइम फ्री सैंपल्स क्यों देती है, जिससे कि लोग उसका टेस्ट डेवलप कर लें, उसके हैबिचुअल हो जाए, वी स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम देम। In 1955, when Coke was introduced in India, a small free sample bottle was applied by repeated tasting, people became used to it. When 1955 में Coke सबसे पहले इंडिया में आई थी, तो वहां पर छोटी छोटी बॉटल सैंपल्स की बांटी गई। क्यों बांटी गई थी? बिहेवियर थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोग उसका एक टेस्ट डेवलप करें, तो वो जब भी कोई ड्रिंक लेंगे तो उस कंडीशन में उस टेस्ट की अगर उनको आदत हो जाएगी। इन अदर पॉइंट when people are conditioned to a particular situation, they become habitual to it. Accustomed का मतलब है कि जब लोगों को किसी एक particular condition पे आप impose कर देंगे तो वो उसके habitual हो जाते हैं, ठीक है? In other language it is called stimulus response, the behavior or associative orientation. Marketers stimulate consumer in various way to take advantage by repeating advertising, but psychologists also came to the conclusion that learning depends on repetition but also on the ability of generalization. भाई ये चीज तो सही है कि मार्केटर्स बार बार उस चीज को रिपीट करेंगे एडवर्टाइजिंग में या किसी भी तरह, तो लोगों का बिहेवियर जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। बट साइकोलॉजी कहती है कि लर्निंग ये डिपेंड्स रिपीटिशन पे लर्निंग डिपेंड नहीं करती है, जर्नलाइजेशन पे भी वो डिपेंड करती है। बार बार चीज आपके सामने हो रही है तो लर्निंग तो हो रही है, बट जर्नलाइजेशन कितनी जरूरी है। बिकॉज स्टिमुलस जर्नलाइजेशन people therefore also buy product who like and therefore competitors provide similar product. Stimulus generalization also help to promote sales. तो generalization भी उतना ही जरूरी है। जैसे यहाँ पर एक और थ्योरी डिस्कस है, क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ डम सॉर्ट ऑफ लर्निंग। मॉडर्न व्यू ऑफ क्लासिकल इज समवर डिफरेंट। इट इज नॉट बिलीव दैट इंडिविजुअल डू नॉट बिहेव ऑन आइडेंटिकल मैनर, दे आर नॉट प्योरली पैसिव इन बिहेवियर। कंडीशन कैन बी चेंज आफ्टर अ नंबर ऑफ ट्राइज ऑफ प्रोडक्ट। जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि भाई डॉग को हम बार बार बेल की कंडीशन से फूड प्रोवाइड करेंगे, तो उस थ्योरी को क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। मगर अब मैं आपको नए मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि जो कस्टमर है वो बार बार चीजें रिपीट होंगी तो वो उसका जो बिहेवियर है वो आप समझ पाएंगे। जितना ज्यादा प्रोडक्ट अपडेट होगा अलग अलग ट्रायल के साथ, आपका जो बिहेवियर है, जो आपकी लर्निंग है, जो नॉलेज है, वो भी एनहांस होती है। तो बेसिकली क्लासिकल कंडीशनिंग ऑल्दो लर्निंग में हेल्प करती है, जो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट करेगी, कंज्यूमर के बिहेवियर को इम्पैक्ट करेगी, बट जर्नलाइजेशन भी इतना जरूरी है क्योंकि हर बार आपका बिहेवियर उतना पैसेंट नहीं हो सकता। कंडीशनल कैन बी चेंज आफ्टर अ नंबर ऑफ ट्रायल। समय समय पर जब नए इनोवेशन होंगी नंबर ऑफ ट्रायल दिए जाएंगे। भाई ऐसा तो नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट की रेंज चलती जा रही है, टेस्ट आते हैं, फ्लेवर आते हैं, वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कस्टमर उतना पैसिवली बिहेव नहीं करेगा। जितना ज्यादा आप उनको ट्रायल प्रोवाइड करेंगे तभी तो उन्हें इस चीज की आदत पड़ेगी। आप एक ही चीज के पीछे तो नहीं पड़े रह सकते। बिहेवियर एक टाइम पे जाकर उसके लिए भी नेगेटिव होना शुरू हो जाता है कि कुछ नया ही नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे सेशन। जो हमने डिस्कस किया है अबाउट बिहेवियर लर्निंग थ्योरीज, जो जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आपने पढ़ी, तो उसकी एग्जाम्पल के साथ हमने डिस्कस करने की कोशिश करी कि किस तरह से कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो लर्निंग और एक्सपीरियंस और कंडीशंस की वजह से इम्पैक्ट होता है, और कैसे मार्केटर्स उसको अपनी सेल्स के लिए, प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। इसके अलावा इस लिंक के साथ इस वीडियो के नोट्स अटैच रहेंगे, तो आप उनको भी वर्ड टू वर्ड फॉलो कर सकते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट आप इजीली समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच।